कहाँ जाना है, अपन ने स्कूल जाना है। ये हमारे सपन साहब है। हाँ तो गाड़ी तो जाती होगी इधर। नहीं यहाँ जाना है। पंचायत के लेवल पे चेक करना है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पंचायत सेक्रेटरीज को हम लोग बता देंगे बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, पहले इसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद उनको काम मिलेगा। सीधी बात है। क्या आप लोग इसमें साथ हो हमारे? हो सकता है शुरुआत में कुछ लोग नाराज हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों को मुश्किल आता है, हो सकता है किसी का बच्चा 5-6 साल हो गए स्कूल का नजर नहीं देखा, अब जाके स्कूल जा रहा है तो बोले कि अब कैसे करूंगा, कैसे घर में कौन काम करेगा, ढोक में कौन जाएगा। लेकिन 5-6 साल बाद आप लोग हम ही को शुक्रिया करोगे कि ये एक एक सख्त कार्रवाई के थ्रू एक काम हुआ। 70 के 70 बच्चे गुरीनाल इलाके के, इन्होंने बता दिया अभी ऊपर भी सेंटर खुल जाएगा बानीपुरा में, 30 बच्चे वहां पे, 40 बच्चे इधर। अब कोई किसी के पास कारण नहीं बचता, वजह नहीं बचती जिसकी वजह से उसका बच्चा स्कूल में ना जाए। मनरेगा का काम हो, कोई भी गांव का काम हो, स्कूल में बच्चे को भेजिए, उसके बाद अपना काम शुरू करिए। सीधी बात है, आपकी पेमेंट की जिम्मेदारी, आपको जो भी काम करवाना है उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। उसके साथ साथ अभी क्या होगा, फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, बर्फ भी उतनी नहीं पड़ेगी, तो अभी हम लोग अगले 2 महीने के लिए फरवरी और मार्च बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए उसको पढ़ने का जो मटेरियल है वो हमने बना के रखा हुआ है। आज हमने कुछ किताबें और खाने के आइटम बच्चों को दिए हैं, बाकी जो पढ़ने का मटेरियल है वो भी हम लोग अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्कूल में पहुंचा देंगे। जितने भी हमारे टीचर हैं, आज यहाँ पे 2 टीचर्स आए हुए हैं, ये दोनों के दोनों को डाइट में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया हुआ है कि कैसे उस बच्चे पे काम करना है जिसने बहुत सालों से स्कूल नहीं गया है। तो उस बच्चे के लिए खास तौर से 2-3 महीने वो अपना पढ़ाई कराएंगे, उसको स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार कराएंगे। और जब अप्रैल का महीना आएगा और स्कूल में नया रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो मेरे को उम्मीद है कि 70 का 70 बच्चा इस गांव का स्कूल ज्वाइन करेगा फिर से। इन्होंने 2-3 और मुद्दों की बात करी, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहला जो इन्होंने मुद्दा बताया था स्कूल वाला, वो तो खैर हमने देख लिया है, मोबाइल नेटवर्क का भी एक मुश्किलात है और इधर 500 के आसपास घर हैं। हम लोग आज ही वापस जाके एयरटेल और बीएसएनएल से बात करेंगे और यहां पे टावर लगवाएंगे। बिजली के पोलों की जो बात है, कई जगहों में डिस्ट्रिक्ट में लकड़ी के पोलों की प्रॉब्लम हम लोगों को बताई गई है। इसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है RDSS। मेरी पावर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ के अगर एरिया के ऐसे कुछ पोल्स हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि जब वो स्कीम लॉन्च हो तो यहाँ भी वो पोल बदल दिए जाए। ट्रांसफॉर्मर का क्या कर सकते हैं? उसमें है कर सर 8-10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर सर। तो आपको क्या लग रहा है उसमें हम लोग डिमांड प्लेस करके मिल जाएगा? एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर के लिए आप डिमांड प्लेस करिए, अगर कोई आपके पास ट्रांसफार्मर रहते हैं सर्कुलेशन में, अगर एग्जिस्टिंग वाला कोई पड़ा हो उसको रिपेयर करा के लगाइए। साहब उसमें मटेरियल लग रहा है सर, TLT में लगेगा सर, यहाँ से पावर जा रही है सर पार्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिसने जिन लोगों ने जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है और उनको वापस लाने के लिए कदम उठाए, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं।